तो जी मधुमक्खी के छत्ते तो आपने बहुत देखे होंगे, लेकिन आज हम आपको दिखाने लाए जी एक ऐसा छत्ता जो कि बनता है बर्फ से, और बर्फ का छत्ता बहुत ज्यादा पॉपुलर है जी बीकानेर में। पूरी वीडियो एंड तक देखना, आपका दिल खुश हो जाएगा और आपको मजा आ जाएगा। आज हम आपको लेकर आए जी सुंदरलाल छत्ते वाले, जो कि बीकानेर गंग शहर के अंदर है। चलिए मिलते हैं इनसे, दिखाते हैं आपको क्या चीज होती है छत्ता। सबसे पहले मिलते हैं इनसे। सबसे पहले नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है सर आपका? मैं नाम राजेश कुमार है। और आप एक बात बताइए जी, बड़ा नाम सुना है सुंदरलाल छत्ते वाला, क्या खिला रहे हो ऐसा? इसमें एक बर्फ से क्या है, एक आइटम बनता है जो छतरी के टाइप का होता है। अच्छा। उसके ऊपर हम रबड़ी डालते हैं। हाँ। और विभिन्न प्रकार के कलर डालते हैं। अच्छा। और कलर भी इतने नेचुरल है कि लोग खाने पर एकदम मजा आ जाता है। खुद ही तैयार करते हो आप? हाँ, ये शरबत हो गए, इट्स काइंड ऑफ शरबत हो गए, एक तरह के मीठे शरबत, ये आप खुद तैयार कर रहे हो? तैयार। ठीक है। और ये बर्फ का, इट्स लाइक की चुस्की जो बोलते हैं हम अपने हरियाणा पंजाब साइड में, उसी को छत्ता बोला जाता है बीकानेर के अंदर। पर उसकी जो शेप होगी, शेप है ना, वो अलग अलग है। वहाँ पर वो गोल बनता है या गिलास में बनता है, हम स्टिक में बनाते हैं। अच्छा, आप स्टिक में बनाती है। तो चलिए फिर दिखाइए हमें कैसे बनता है और बना के दिखाइए। बड़ी साफ सफाई रखी हुई है आपने। चेक इट आउट जी। अच्छा, ये लग रहा है छत्ता, छतरी की शेप में बना दिया आपने। ठीक है। ये गुलकंद का शरबत है। अच्छा, ये जितने भी आप छत्ते जो आप बनाते हो, बेसिकली जो चलता है सबसे ज्यादा, सब में गुलकंद डलती है? गुलकंद डालते हैं, नहीं तो और भी काला कट्टा है, ऑरेंज है। अच्छा। केसर है, सब डालते हैं। ठीक है। पर ये सबसे ज्यादा जलता है हमारे यहाँ। ओके। गुलकंद क्योंकि हर एक जगह गुलकंद का शरबत कहीं नहीं मिलता। ये तो है। अच्छा, ये गुलकंद डाल दिया आपने। ये रबड़ी है, प्योर दूध की रबड़ी है। अच्छा, दूध की रबड़ी, पूरी गाढ़ी गाढ़ी है, ब्राउन हो रखी है, अच्छे से काट के बना रखी है आपने। और ये केसर का शरबत है। केसर का शरबत, ये आपने खुद तैयार कर रखा है? सब सब सब। ओके। और यहाँ गुलाब का है। अच्छा, गुलाब शरबत। ठीक है। ये खस है। अच्छा, खस हो गई रेड कलर, ओ ग्रीन कलर की। ये तैयार हो गया आपका? अच्छा, ये तैयार हो गया। क्या इसका प्राइस रहता है? इसका 40 रुपए है अभी। 40 रुपए इसका प्राइस है। और एड्रेस बताइए, एड्रेस क्या पड़ता है? ये बीकानेर है और मेन बीकानेर के पास में गंगा शहर है, मेन बाजार। हाँ जी, गंग शहर मेन बाजार, सुंदरलाल छत्ते वाले। ठीक है, तो यहाँ आके एंजॉय कर सकते हैं। गूगल पे हो आप, मैप पे है ना? चलिए मैं पिन कर दूंगा। चलिए टेस्ट करते हैं फटाफट से। काफी पॉपुलर है रबड़ी वाला भाई, हमारे उस साइड पे जो मिलता है ना, हरियाणा पंजाब साइड में चुस्की बोलते हैं उसको, और वहाँ पे मतलब ऐसे इस तरीके से नहीं मिलती। जो रबड़ी सी होती है ना, वो वाइट से कलर की होती है, एंड इसके अंदर जो गुलकंद की फिलिंग की है, तो वो अलग ही स्वाद है, अलग ही नज़ारा है, देखने में बड़ा अच्छा सुंदर लग रहा है। चलिए टेस्ट करते हैं भाई। वाह, रबड़ी बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है, बहुत अच्छे से काट रखी है, बहुत ज़बरदस्त लजीज स्वाद आ रहा है भाई। वाह, जो शरबत बना रखे हैं उन्होंने, अलग ही स्वाद है उनका, अपना ही स्वाद है, काला खट्टा है, काला खट्टा फ्लेवर सब एकदम। काला खट्टा तो भाई कमाल है यार, ये तो टैंगी सा फ्लेवर है थोड़ा, है ना? ये बटर स्कॉच है। बटर स्कॉच चेक करके देखा आप? अच्छा, बटर स्कॉच फ्लेवर है। वाह भाई, जैसे जैसे मेल्ट हो रहा था भैया ने बटर स्कॉच फ्लेवर डाला है, सेम टू सेम जैसे आइसक्रीम खाते हैं ना अमूल वगैरह की, सेम एग्जैक्टली वैसा टेस्ट आ रहा है बटर स्कॉच का, बहुत ही बढ़िया स्वाद है। आपको अगर खाना है तो आपको आना पड़ेगा। एड्रेस भैया ने आपको अपनी ज़ुबानी बताया, भाई मैं करता हूँ इसको इन्जॉय, ये मेल्ट ना हो जाए, इससे पहले फटाफट से मैं इन्जॉय कर लेता हूँ। आप करिए फटाफट से वीडियो को लाइक, शेयर करना सबके साथ, और अगर बीकानेर से देख रहे हो तो भाई कमेंट करके नीचे ज़रूर बताना, और लोगों की रिकमेंडेशन दी तो मैं रिकमेंडेशन पे आया, स्पेशली लाइक करना, शेयर करना अपने चैनल वालों के साथ। मिलेंगे किसी नई सी वीडियो में किसी नई चीज़ के साथ। टिल देन, बाय बाय।